मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बवाल मचा हुआ है। यहाँ शाहजहानाबाद इलाके में दो दिनों से जिस बच्ची की तलाश हो रही थी उसका शव पड़ोसी के घर से मिला है। इसके बाद चारों ओर चीख पुकार मच गई। एक तरफ घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है तो दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोषियों को जल्द फांसी देने की मांग की। पड़ोसी के टैंक से 5 साल की मासूम का शव मिलने के बाद पुलिस ने बच्ची का शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए एम्स हॉस्पिटल भेज दिया है। पुलिस ने बताया कि बच्ची का शव बिल्डिंग के टैंक में मिला है। दो दिन पहले बच्ची सेकंड फ्लोर पर रहने वाली दादी के यहाँ से अपने फ्लैट पर आ रही थी, तभी मौका पाकर आरोपी उसे साथ ले गया। जब उसने बच्ची का मुंह दबाया तो वो बेहोश हो गई। आरोपी ने बेहोशी की हालत में ही मासूम के साथ दरिंदगी की और बच्ची किसी को न बता दे इसलिए उसी दिन उसका गला दबा कर मार डाला। घटना का खुलासा होने के बाद पुलिस ने आरोपी अतुल के साथ उसकी मां बसंती और बहन चंचल को भी गिरफ्तार किया है। दोनों पर लाश को छिपाने में मदद करने का आरोप लगा है। जी, आज जिस फ्लोर पे बच्ची रहती थी उसी के जस्ट सामने वाले की पंक्ति में जो फ्लैट्स हैं वहां पर बच्ची की लाश एक वाटर टैंक में रिकवर हुई है और लाश को हमने वहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए हॉस्पिटल एम्स में पहुँचा दिया है, जहाँ पर जो भी जानकारी है डिटेल्स में हमको जो भी प्राप्त होगी आपके सामने हम लिखेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर क्राइम, नेशनल क्राइम ब्यूरो भी कहता है कि कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ, औरतों के साथ जातियाँ हो रही हैं। सबसे स्पष्ट बात है कि एक बच्ची अपने आंगन में खेल रही थी, 5 साल की बच्ची, उसके साथ ऐसा हो गया। शर्म की बात है सरकार के लिए और सबसे बड़ी चीज़ कमिश्नर सिस्टम लागू है। यहाँ पर धड़ल्ले से शराब बिक रही है, अफीम बिक रहा है, गांजा बिक रहा है, धड़ल्ले से सारी चीज़ें चल रही हैं। अब कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा और सब लोग होश में आ जाएं। ये गूंगी बहरी सरकार दिख रही है मुझे, इन लोगों को होश में आना पड़ेगा। पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और जो अफीम गांजा जिन लोगों के आड़ में चल रहे हैं अब उनसे ये कहना है कि मेहरबानी कर बच्चों के भविष्य के लिए, जो आने वाली जो नस्लें हैं उनके भविष्य के लिए अपनी सियासत छोड़ दो और जिसने भी कराया उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने कोई सर्चिंग सही से नहीं करी, पुलिस सर्चिंग के नाम पे जीरो रही क्योंकि पुलिस को यही नहीं पता था बच्ची का घर के बाजू में उसकी बॉडी पड़ी हुई थी। दो दिन से पुलिस ने उसको खोलना जरूरी नहीं समझा उस पेटी को, क्योंकि पुलिस वो पेटी खोलती है जहाँ से उनको फायदा मिलता है। पुलिस दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहती है। यहाँ के बीट जो बीट प्रभारी है वहाँ के, वो दारू की पेटियों में इन्वॉल्व रहते हैं। कांस्टेबल से लेकर पूरे पुलिस प्रभारी वहाँ से कितना पैसा आना है, कितना वूली करना है, उसमें सब में इन्वॉल्व रहते हैं, मगर उस बच्ची की पेटी को खोलना इन्हें जरूरी नहीं समझा। दो दिन से उस बच्ची की लाश पड़ी रही, पुलिस ने बाजू वाले घर को खोल के नहीं देखा कि उसकी लाश पड़ी हुई है, क्योंकि पुलिस अपने हफ्ता वसूली में मगन थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।